And I don't plan on... Before we get started out here, I just want to let you know, I just got off the phone with Roman Reigns. And first of all, he says hi. And second of all, you want me to tell you that he's coming for you? I figured you'd know what that meant. I mean, that's y'all's deal, so. And you're smart enough to know that you never, ever want to get in the ring with a guy like me. You're smart enough to know that you can't beat me. दोस्तों लेटेस्ट रूमर्स के मुताबिक ये जल्द ही रॉ पर होगा। हम सभी ने सोचा था कि सीएम पंक रॉयल रंबल जीतेंगे, लेकिन आखिर में कोडी रोड्स ने मैच जीत लिया। तो आप कोडी रोड्स रसलमेनिया में अंडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रॉयल रंबल को चुनौती देंगे। अब फैंस सीएम पंक के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि उन्हें सेथ रॉल्स के खिलाफ मैच कैसे मिलेगा। इसका जवाब ये कि कई रिपोर्टों में कहा है कि सीएम पंक एलिमिनेशन चैंबर में होंगे और वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेस्टेंट मैच जीतेंगे। एक और बात ये है कि रॉयल रंबल मैच के दौरान सीएम पंक को इंजरी लग गई थी। ये तब हुआ जब ड्रू मैकइंटायर ने सीएम पंक पर फ्यूचर शॉक डीडीटी मारा और इससे पंक का राइट आर्म घायल हो गया। इसलिए हमें नहीं पता कि सीएम पंक को इस इंजरी से उभरने में कितना टाइम लगेगा। हम सभी जानते हैं कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया में रोमन रेंस को हराएंगे और नए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेंगे। कई रिपोर्ट्स में कहा है कि डीन एम्ब्रोस रेसलमेनिया के बाद रॉ में डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करेंगे और कोडी रोड्स को चुनौती देंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई में डीन एम्ब्रोस का आखिरी मैच 2019 में बॉबी लैशली, बैरन कॉर्बिन और ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ एक टैग टीम मैच में था। तो दोस्तों आप इस रूमर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।